वेलकम टू द परफेक्ट क्लास। आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर है, जो कि 10th क्लास का है, और इसमें एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति, जैसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। तो इसका क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, साइन स्क्वेयर 63 प्लस साइन स्क्वेयर 27 डिवाइड बाय कॉस स्क्वेयर 17 थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर 73। तो यहाँ पे हमें चाहिए इसे 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो छोटे थीटा है, ये 27 हुआ और 17, इससे हम बदलेंगे। तो इसको बदलते सबसे पहले तो कैसे बदलेंगे, 63 माइनस करेंगे तो बचेगा इजिकल टू 27। तो जहाँ पर 27 थीटा है वहाँ हम लिखने वाले 90 माइनस 63 थीटा है, तो यहाँ पर चेंज करेंगे, और यहाँ पर अब ये 70 थीटा, इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी बदलेंगे, 90 माइनस 73 अगर करते हैं तो बचेगा 70 थीटा। तो यहाँ इसे चेंज करेंगे अब अगले नेक्स्ट स्टेप में, साइन स्क्वेयर 63 प्लस इस साइन स्क्वेयर को चेंज कर देंगे इसमें, साइन स्क्वेयर 90 माइनस 63। अगले स्टेप में ऐसे ही हम इसको भी चेंज करेंगे, ये छोटे छोटा था, ये भी सिंगल छोटा था, इसको भी चेंज करेंगे, कॉस स्क्वेयर 90 माइनस इसको कर देंगे 73 प्लस यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वेयर 73। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, एक फॉर्मूला चल रहा है 90 माइनस सी का, यहाँ फॉर्मूला शो कर देंगे। फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा, और एक और फॉर्मूला आएगा कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा, ये दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज हो रहा है। तो यहाँ हम चेंज करेंगे इसे, अभी हमारा जो थीटा है वो 63 है और यहाँ पर 73, तो यहाँ थीटा था इसलिए आएगा 63 और यहाँ 73। नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब साइन स्क्वायर साइन इसको 90 माइनस थीटा, उससे अगर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या जाएगा 63। नीचे की स्टेप में अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का क्या है कॉस, यहाँ है 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब यहाँ पर भी एक फॉर्मूला यूज हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा, इंग्लिश है नाम, एक फॉर्मूला और आ रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पर सेम संख्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आएगा, क्या लिखेंगे 1, इसका 1 आ गया 1 में 1, तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट्स करें, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो आपको मिल सके, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।